15 दिसंबर 2022 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें लौकिक अलौकिक परिवार से तोड़ निभाना है, लेकिन किसी में भी मोह नहीं रखना है, मोह जीत बनना है। प्रश्न, कयामत का यह समय है, इसलिए बाप की कौन सी श्रेष्ठ मत सबको सुनाते रहो? उत्तर, बाप की श्रेष्ठ मत सुनाओ कि कयामत के पहले अपने पापों का हिसाब किताब चुकतू कर लो। अपना भविष्य श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाओ। कयामत के पहले ज्ञान और योग से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। सारा पुरुषार्थ अभी ही करना है। बाप पर सब कुछ बलिहार करेंगे तो 21 जन्म के लिए मिल जाएगा। बाप का बनकर हर कदम पर डायरेक्शन लेते रहो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अभी तुमको 3 बाप से तोड़ निभाना है। भक्ति मार्ग में 2 बाप से तोड़ निभाना होता है। जब सत्युग में हो तो 1 बाप से तोड़ निभाना होता है, ठीक है ना? हिसाब बुद्धि में बैठता है। जिसका बनना होता है उनसे तोड़ भी निभाना होता है, इसलिए बाप कहते हैं लौकिक कुटुंब परिवार से भी तोड़ निभाना है अंत तक। कोई लौकिक संबंधी को चिट्ठी लिखते हो तो वाया पोस्ट ऑफिस जाती है। यहाँ भी बेहद के बाप को चिट्ठी लिखते हो, शिव बाबा केराफ ब्रह्मा। इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं समझते। यहाँ कोई नया आदमी आकर बैठे और बाबा कहे तुमको 3 बाप है तो समझ ना सके। एक है लौकिक बाप, दूसरा यह संगमयुगी अलौकिक बाप और तीसरा पारलौकिक बाप तो सबका है ही। भक्ति मार्ग में भी है तो अभी भी है, यह कोई जानते नहीं, सिर्फ उनका गायन पूजन करते हैं। तुम बच्चे तीनों ही बाप की जीवन कहानी जानते हो, कितनी बातें समझानी पड़ती है। सत्युग में सब सदगति में है, सुखी ही सुखी है, सभी सुखधाम शांतिधाम में है। रावण राज्य में सभी दुखी है। देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो गिरने लग पड़ते हैं, दिखलाते हैं सोने की द्वारिका पानी के नीचे चली गई। यह चक्र फिरता रहता है, नई ऊपर में आएगी तो पुरानी फिर नीचे चली जाएगी, फिर सत्युग नीचे जाएगा तो कलयुग ऊपर आ जाएगा, फिर सत्युग ऊपर कब आएगा? 5000 वर्ष बाद। बच्चों की बुद्धि में यह सारा नॉलेज आ गया है। नॉलेज तो सहज है, सिर्फ योग की मेहनत करनी पड़ती है। कोई जास्ती याद करते हैं, कोई थोड़ा याद करते हैं। तो माता पिता बच्चों को समझाते हैं लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है, आज नहीं तो कल उन्हों की भी बुद्धि में बैठेगा। देखेंगे, यह तो ठीक है, एक बाप को याद करना है, कोई भी साधु संत गुरु आदि को याद नहीं करना है। याद चैतन्य को भी करते हैं तो जड़ को भी करते हैं। सत्युग में कोई में भी मोह नहीं रहता, वहाँ मोहजीत रहते हैं, यहाँ सब में मोह रहता है। फिक्र है ना, ड्रामा में हर एक युग की रस्म रिवाज अपनी अपनी है। यह बाप बैठ समझाते हैं क्योंकि बाप ही नॉलेजफुल है। यह भी बाप, वह भी बाप, वह भी क्रिएटर, यह भी क्रिएटर, ब्रह्मा द्वारा क्रिएट करते हैं, एडाप्ट करते हैं। एडाप्ट करना अर्थात अपना बनाना। शूद्र धर्म वाले जिनका बहुत जन्मों के भी अंत का जन्म है, उनको बाप एडाप्ट करते हैं। तुम बच्चे बाप को जान गए हो और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी जान चुके हो, बाप द्वारा क्या वर्षा मिलता है उनको भी जान गए हो। तुम बड़े हो, समझते हो, तब तो एडाप्ट हुए हो, बिगर समझ एडाप्ट कैसे होंगे? कोई को अपना बच्चा नहीं होता तो दूसरे को अपना बनाते हैं, साहूकार का ही बच्चा बनेंगे, गरीब का थोड़े ही बच्चा बनेंगे। बाप कहते हैं मुझे बच्चे चाहिए,
जरूर एडाप्ट करेंगे। यह भी तुम जानते हो, एडाप्ट उनको करेंगे जिनको कल्प पहले किया है। जो कल्प पहले पार्ट चला है वही एक्ट रिपीट होती जाएगी। जब मेरे बनेंगे तब उनको पढ़ाऊंगा। बाप को और घर को याद करो। सुखधाम और शांतिधाम को याद करना बहुत सहज है, परंतु बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। छोटे बच्चे समझ नहीं सकेंगे, वह सिर्फ बाबा बाबा कहेंगे और कोई के पास जाएंगे नहीं। यहाँ तो सब है गुप्त बातें। समझ भी है, बुद्धि को ताकत मिलती है, ताकत मिलने से सोने के बन जाते हैं। कोई कमजोर होते हैं तो उनको सोने का सॉल्यूशन पिलाते हैं, सोने का पानी भी बनाते हैं। यहाँ तो तुमको रूहानी नॉलेज मिल रही है, यह नॉलेज ही इनकम है। नॉलेज तो सबको एक ही मिलती है, फिर जो पुरुषार्थ करे। इसमें मूझने व घबराने की कोई बात नहीं, सिर्फ बाबा का बनना है, बाप के वर्से को याद करना है। सारा दिन तो निरंतर याद कर नहीं सकेंगे, धंधा आदि भी करना है। कोई को तो धंधा आदि भी नहीं है फिर भी याद नहीं कर सकते। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है पुरुषार्थ करते रहना है। वह वायुमंडल दिखाई पड़ेगा, समझेंगे अभी समय नजदीक आता जाता है। जब बहुत दुख आएगा तो फिर भगवान को याद करते रहेंगे। मौत सामने दिखाई पड़ेगा, तुम्हारे में भी सबको अपनी अवस्था का मालूम पड़ जाएगा कि हमारी कमाई कम है। योग होगा तो आत्मा से खाद निकलती जाएगी, फिर बाबा भी बुद्धि का ताला ढीला करेंगे। मनुष्य बीमारी में ईश्वर को याद करते डर रहता है, सब उनको याद कराते हैं, राम कहो राम कहो। बाप भी कहते हैं बाप और वर्से को याद करते रहो। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। ऐसे नहीं पुरुष चले स्त्री को न चलाए। यह जोड़ा है हाफ पार्टनर का, परंतु आजकल हाफ पार्टनर भी समझते नहीं है। कोई कोई इज्जत रखते हैं, नहीं तो आजकल बच्चे ऐसे निकल पड़े हैं जो बाप की मिल्कियत को उड़ा देते हैं, माँ को पूछते भी नहीं। वहाँ तो यह सब बातें होती नहीं, कभी दुख नहीं होता। यहाँ पहले पहले दुख ही मिलता है, सगाई की और लगी काम कटारी। देवियों को तलवार आदि दिखाते हैं, वास्तव में यह है ज्ञान के अलंकार। स्वदर्शन चक्र भी देवताओं को नहीं है, यह तुम ब्राह्मणों के हैं। गदा भी तुम्हारी निशानी है, ज्ञान की गदा से तुम माया पर जीत पाते हो। बाकी वहाँ ऐसी चीजों की दरकार नहीं रहती, वहाँ बड़ी मौत से रहते हैं। तपस्या करने की भी दरकार नहीं, वह तो तपस्या का फल है। सूक्ष्मवतन में है फरिश्ते, वह है फरिश्तों की दुनिया। यहाँ फरिश्ते नहीं रहते, देवताओं को देवता कहेंगे। वह है फरिश्ते और यहाँ है मनुष्य, सभी का अलग अलग सेक्शन है। सत्युग में देवताएं राज्य करते हैं, वह है ताकि दुनिया। सूक्ष्मवतन में है मूवी दुनिया। दुनिया भी तीन है, मूलवतन सूक्ष्मवतन और स्थूलवतन। तीन लोग कहते हैं ना, तुम्हारी बुद्धि में यह प्रैक्टिकल में है। मनुष्य तो सुनी सुनाई पर चलते हैं, तुम अच्छी रीति जानते हो कि यह दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। तीनों लोकों को जानते हो, सिवाय बाप के आदिमध्यंत का राज कोई बता नहीं सकते। कोई भी त्रिकालदर्शी है नहीं, यह थोड़े ही कोई जानते हैं कि मूलवतन में आत्माएं कहाँ कैसे रहती हैं। तुम जानते हो वहाँ आत्माओं का झाड़ है, वहाँ से नंबरवार आते हैं। हम सब आत्माएं बच्चे शिव बाबा की माला है, जैसे सिजरा बनाते हैं कृष्य लोग भी झाड़ बनाते हैं।
खुशी मनाते हैं। क्राइस्ट का बर्थडे मनाते हैं। अभी तुम किसका बर्थडे मनाएंगे? मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि हमारा धर्म स्थापक कौन है और सभी धर्म स्थापन करने वाले का हिसाब किताब निकालते हैं। देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया यह किसको पता नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, मेजॉरिटी माताओं की है, शक्तियों का मान बढ़ाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमको देहाभिमान आ जाए, हम होशियार हैं। नहीं, फिर भी मान रखना है माता का। नाम ही है ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। ज्ञान का कलश माताओं के सिर पर रखते हैं। वह तीखी है। सरस्वती के हाथ में सितार दी है। श्री कृष्ण और सरस्वती के कनेक्शन का भी पता नहीं है। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। यह भी किसको मुश्किल पता होगा। हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है। बाप ने समझाया है, इस ज्ञानियों के सिवाय कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकते और सब तो यह पढ़ेंगे भी नहीं। हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतू करना है। पाप का दंड तो मिलता ही है। दुनिया वाले यह नहीं समझते कि अब कयामत का समय है। तुम्हारा सब पापों का हिसाब किताब चुकतू होता है। भविष्य के लिए इतना जमा करना है जो आधा कल्प चल सके। सारा पुरुषार्थ अभी करना है। बाप कहते हैं, सब कुछ बलिहार कर दो तो उनका फल 21 जन्म के लिए मिल जाएगा। गरीब झट सौदा कर सकते हैं। जिनके पास लाख करोड़ है, बुद्धि में बैठ न सके। बाप कुछ लेते नहीं है। कहते हैं, तुम ट्रस्टी होकर संभालो, श्रीमत पर तुम चलो। मैं तो जीता हूँ। कोई जीते जी भी ट्रस्ट में देते हैं। समझते हैं, अचानक मर जाऊं तो झगड़ा पड़ जाएगा। बाबा भी जीते जी बैठा है। कहते हैं, बाप का बन डायरेक्शन लो, यह करूं वा न करूं। बाबा राय देंगे, भल यह करो। हर एक की अवस्था पर मदार है। कोई विल भी कर लेते हैं। मोह भी बहुतों में है, जो अपने पाप पर होगा उनको भी दे देंगे। बाप के पास कोई चालाक भी है, बच्चों को बांटकर बाकी अपने लिए रखते हैं। बस हम उनसे चलते हैं, ऐसे भी करते हैं। यह तो बेहद का बाप है। हर एक बच्चे को जानते हैं, ड्रामा को भी जानते हैं। समझते हैं, इसमें पैसे की दरकार नहीं है। उस मिलिट्री पर गवर्नमेंट का बहुत खर्चा होता है। तुम्हारा खर्चा कुछ भी नहीं, रात दिन का फर्क है। तुम जानते हो यह सारी मिल्कियत आदि खत्म हो जाने वाली है। हमको धरनी ही नई सतो प्रधान चाहिए। अभी तो तमो प्रधान है। लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो सारे घर की सफाई करते हैं। शुद्ध घर में देवी आए। बाबा ने समझाया है, देवताएं इस धरती पर पैर नहीं रखते, वह सिर्फ साक्षात्कार कराते हैं। साक्षात्कार में पैर थोड़े ही धरनी पर होते हैं। मीरा भी ध्यान में देखती थी, यहां कोई देवता आ ना सके। देवताएं सतयुग में होते हैं, कलयुग में फिर उनके अगेंस्ट है। देवताओं और असुरों की लड़ाई है नहीं, वास्तव में यह है माया से लड़ाई। योगबल से माया पर जीत पहनाने वाला सर्फ का सदगति दाता एक बाप है। पहले पहले है ही रुद्र माला, वहां इस माला को कोई जानते ही नहीं। तुम संगमयुग पर ही जानते हो कि ब्राह्मणों की माला तो बन ना सके।
पीछे है फिर विष्णु की माला, यह सब है डिटेल की बातें। कोई कहते हैं हमें धारणा नहीं होती है, अच्छा कोई हर्जा नहीं है, बाप को याद करना तो सहज है ना, तुम बाप को कैसे भूलते हो, जिस बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जबरदस्त आमदनी है, फिर भी माया बुद्धि का योग हटा देती है। साजन जो श्रृंगार कराए महारानी बनाते हैं, ऐसे साजन को भूल जाते हैं, आधा कल्प माया का राज्य चलता है। अभी तुम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो, यह सारी दुनिया कैसे चलती है तुम आदि से अंत तक जानते हो, नाटक देख कर आते हैं उसमें मालूम पड़ता है पिछाड़ी में अब यह सीन होगी, इसमें ऐसे नहीं है, तुम जानते हो सेकंड बाई सेकंड जो चलता है सो ड्रामा, ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है, जो कुछ हो जाता ड्रामा, नाराज होने की कोई बात नहीं, कोई ने शरीर छोड़ा उनको जाए अपना पार्ट बजाना है, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, तुम्हारी बुद्धि में यह स्वदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए, तुमको शंखध्वनि करनी है, बाप का परिचय देना है, हाथ में चित्र हो कि यह लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे, अभी कलयुग है, फिर बाप आया है राज्य भाग्य देने। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी पढ़ रहे हैं, दादे से वर्षा ले रहे हैं, तुमको भी लेना हो तो लो, यह है तुम्हारा निमंत्रण, फिर बहुत आएंगे, वृद्धि होती जाएगी। शिव जयंती पर भी अच्छा ही आवाज होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। डॉट धारणा के लिए मुख्य सार, एक ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है, किसी भी बात में नाराज नहीं होना है, सदा राजी रहना है। डॉट दो, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है, धंधा आदि करते भी बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। डॉट वरदान सुख स्वरूप बन सबको सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भाव। संगमयुगी ब्राह्मण अर्थात दु ख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो, जो मास्टर सुखदाता सुख स्वरूप है वह स्वयं दुख में कैसे आ सकते हैं। बुद्धि से दुखधाम का किनारा कर लिया, वे स्वयं तो सुख स्वरूप रहते ही हैं, लेकिन औरों को भी सदा सुख देते हैं। जैसे बाप हर आत्मा को सदा सुख देते हैं, ऐसे जो बाप का कार्य हो बच्चों का कार्य, कोई दुख दे रहा है तो भी आप दुख नहीं दे सकते। आपका स्लोगन है ना दुख दो ना दुख लो, स्लोगन हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस को धारण कर एकरस स्थिति में स्थित रहो।